नीचे वाली हाइट से आप किसी दूसरे हाइट को अब मी अब क्या आप प्लेन को उड़ते हुए को टच कर सकते हो क्या तो डेड सी जो होता है वो हमारे सी बाकी अदर सी से बिल्कुल डिफरेंट होता है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर लर्न इन एवरीडे प्लेटफॉर्म रन कारो करियर इंस्टीट्यूट As we have started our preposition topic from last our few videos, so today we are going to discuss about further more prepositions. So today's topic is above, below and under. क्या difference होता है इन तीनों के अंदर आज हम ये discuss करने वाले हैं। आपने काफी बार सुना भी होगा above जो होता है वो uh, upper level की height को show करने के लिए होता है, below जो होता है वो lower level की height को show करने के लिए होता है। बट अगर ये दोनों हाइट शो करते हैं तो फिर अंडर का यूज कहाँ पर होता है तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देखिए अब इट इज क्वाइट सिमिलर टू ओवर बट नॉट एग्जैक्टली सेम इट टू रेफर्स टू समथिंग दैट इज हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट कवरिंग इट लास्ट की वीडियो में बच्चों हमने ओवर टॉपिक को कंप्लीट किया था और जो आपका अवव होता है बच्चों वो सिमिलर तो होता है ओवर के कांसेप्ट से बट जो डिफरेंस आता है इन दोनों का जो इन दोनों के कॉन्सेप्चुअल को अलग करता है वो ये होता है जो आपका ओवर था वो किसी एक मान लीजिए कोई थिंग है आपके पास उससे ऊपर कोई हाइट है तो उसके लिए आप ओवर यूज करते हो एक आपके पास दो चीजें हैं उन दोनों की हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो या फिर किसी नीचे वाली हाइट से आप किसी दूसरे हाइट को अव में बता रहे हो ज्यादा में बता रहे हो तो आप ओवर का यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भी होता तो मेजरमेंट हाइट का ही है जो बात की जाती है जो कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं वो हाइट से रिलेटेड होते हैं लेकिन इसमें जो डिफरेंस आता है वो ये होता है कि ओवर उस कंपैरिजन वाले थिंग को या नाउन प्रनाउन को कवर कर रहा था बट ये उसको कवर नहीं करता है दोनों में कोई टचिंग बाउंड्रीज नहीं होती है तो हम ओवर का यूज वहां पर करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू वॉच प्लेन अब अब क्या आप प्लेन को उड़ते हुए को टच कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो कवर कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि वो हाइट बता रहा है ठीक है आप नीचे लोअर लेवल की हाइट पे हो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो वो स्काई में उड़ रहा है तो आप दोनों के बीच में कितना गैप आ गया कितने हाइट डिफरेंस आ गई लेकिन क्या आपको वो कवर कर रहा है या आप उसको कवर कर रहे हो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर हाइट के लिए जहां पर जो नाउन या प्रनाउन होंगे एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे होंगे उसके लिए हमने किसका यूज किया है अब प्रीपोजिशन का यूज किया है बिलो एंड अंडर अब बिलो एंड अंडर में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लेते हैं बोथ ऑफ दैम है सिमिलर मीनिंग दैट इज समथिंग इज लोअर देन समथिंग एल्स दोनों की मीनिंग सेम होती है कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से क्या है लोअर है मेजरमेंट टाइम में या मेजरमेंट में लोअर है अब हम इसको ब्रीफली समझते हैं देखिए बिलो नॉट डायरेक्टली अंडर वी यूज व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनादर किसी के अंदर कोई चीज है नहीं मान लीजिए आप एक आ, शर्ट वियर कर रहे हैं और उसके ऊपर से आपने कोट वियर किया है तो अब अगर आप इसके अंदर की बात करोगे या आपको किसी को ये बताना होगा कि मैंने कोर्ट के अंदर शर्ट वियर किया है तो आप उस जगह पर अंडर का यूज करेंगे क्यों क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से टचिंग बाउंड्रीज में है लेकिन बिलो का यूज कहाँ पर होता है जब कोई चीज किसी के अंदर ना आके सिर्फ एक हाइट दिखाती है जो कि सामने वाले से कंपैरिजन में कम होती है तब हम क्या यूज करते हैं बिलो का यूज करते हैं देखिए एग्जांपल, सन सैंक बिलो द हॉरिजन हॉरिजन मतलब होता है जो आपकी सी लाइन होती है उसे हम हॉरिजन बोलते हैं और यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो सन है वो सैंक करता है किसके बिलो सी लाइन के बिलो ठीक है नेक्स्ट देखिए बिलो इज यूज इन मेजरमेंट वेयर वी थिंक ऑफ अ वर्टिकल स्केल जहां पर हमें वर्टिकल स्केल में एक प्रिडिक्शन करके मेजरमेंट का शो करना होता है वहां पर भी हम बिलो का यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द डेड सी इज बिलो सी लेवल जो डेड सी होती है वो किससे बिलो होती है सी लेवल से बिलो होती है सी लेवल मतलब आप जानते होंगे जो समुद्री लेवल होता है जिसमें आपके एक आ, कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर होता है या फिर आपने अगर सुना हो तो डेड सी जो होता है वो हमारे सी बाकी अदर सी से बिल्कुल डिफरेंट होता है क्यों क्योंकि डेड सी में कभी भी कोई इंसान डूब नहीं सकता है तो ये एक डिफरेंट हो गया तो इस वजह से हमने इसके लिए क्या यूज किया है बिलो यूज किया है क्यों क्योंकि बाकी सी में अगर आप जाओ हो तो आप ऐसा नहीं है डूब नहीं सकते हो लेकिन अगर आप डेड सी में जाते हो तो आप नहीं डूबते हो ऐसा कहा जाता है तो इसीलिए हो सकता है कि कि इन्होंने ये इसीलिए रखा हो द डेड डेड सी 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 इज बिलो लेवल जो सी है वो किसके बिलो है सी लेवल के भी बिलो है मतलब उससे भी कम है उसकी ऊंचाई है उसकी जो भी बोल सकते हो उसके जो अमाउंट ऑफ वाटर है या फिर फ्रीक्वेंसी है सब कुछ किससे बिलो है सी लेवल से बिलो है बात करें अंडर की वी प्रिफर अंडर व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय व्हाट इज ओवर इट हम अंडर का यूज तब करते हैं जब उसके ऊपर या उस थिंग के ऊपर भी कोई चीज होगी जो उसको कवर कर रही होगी ठीक है अंडर इज आल्सो यूज व्हेन थिंग्स आर टचिंग और अंडर तब भी यूज होता है जब क्या होती है थिंग्स जो होती है आपस में टच हो रही होगी कैसे देयर इज समथिंग अंडर द बेड कुछ बेड के अंदर कुछ है तो अ बेड

और नीचे क्या है शर्ट है तो शर्ट क्या हो गया अंडर वाले प्रीपोजिशन का वर्ड हो गया ठीक है क्योंकि आपने शर्ट के अंदर पे, आ, स्वेटर के अंदर शर्ट पहनी है तो स्वेटर और शर्ट दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं टच हो रहे हैं ठीक है लास्ट वन अंडर कैन मेक लेस देन और यंगर देन अंडर आप तब भी यूज कर सकते हो जब आपको एक बाउंड्री शो करनी हो बाउंडेशन शो करनी हो कि इससे छोटा या इससे कम क्योंकि बिलो और अंडर दोनों किसके लिए यूज होते हैं जब कोई चीज किसी से कम हो रही हो या हमें उसे कम शो करना हो तो हम किसका यूज करते हैं बिलो और अंडर का तो यहाँ पर क्या हो रहा है जब अगर आपको किसी को छोटा बताना है या कम बताना है तब भी आप अंडर का यूज कर सकते हो कैसे यू कांट वोट इफ यू आर अंडर 18 तुम वोट नहीं दे सकते हो अगर तुम किससे छोटे हो 18 साल से कम उम्र के हालांकि हम यहाँ पर बिलो भी यूज कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो सिचुएशन है वो एप्लीकेबल है तो आप इन दोनों को ऑप्शनल में रख के कर सकते हैं कैसे यू कांट वोट इफ यू आर बिलो एटीन तुम वोट नहीं दे सकते अगर तुम्हारी उम्र अठारह साल से कम है तो बच्चों आज का जो टॉपिक था वो अव बिलो और अंडर का था जो कि मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू